नमस्कार, मैं प्रिया बौद्ध। प्राइम न्यूज 24 में आपका स्वागत है। खबर उत्तर प्रदेश के पुरकाजी से है। सामाजिक संस्था के तत्वाधान में पुरकाजी ब्लॉक के गांव में महिला हिंसा के विरुद्ध 16 दिवसीय अभियान का आयोजन किया जा रहा है, जो हर वर्ष 25 नवंबर से 10 दिसंबर तक मनाया जाता है। शादाब जहान प्रतिभागी ने बताया कि अभियान का उद्देश्य लोगों को लैंगिक समानता, कम उम्र में जल्दी या जबरन विवाह करना, घटते लिंगानुपात का, घरेलू हिंसा व किशोर व किशोरियों को शिक्षा एवं स्वास्थ्य के प्रति ज्यादा से ज्यादा जागरूक करना है। 25 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा विरोध दिवस के रूप में मनाया जाता है और यह 167 देशों में एक साथ मनाया जाता है। इस अभियान के तहत मुख्य रूप से धारा से जोड़ने व जागरूकता फैलाने के लिए उन महिलाओं को भी जोड़ा जाएगा जो कार्यस्थल पर गुड़चरखी, ईंट भट्टा, घरेलू कामकाजी महिला, खेती मजदूर औरत, मेला ढोने वाली औरतें या फिर किसी कंपनी या फैक्ट्री में काम कर रही औरतें हों। इसमें उन महिलाओं को भी शामिल किया जाएगा जो कभी यौन शोषण की शिकार हुई हों। प्राइम न्यूज 24 के लिए पुरकाजी से जावेद आलम की खास रिपोर्ट। आज अस्तित्व द्वारा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है वो हमारा आज 16 दिवसीय कैंपेन जो महिला हिंसा के विरुद्ध 5वीं दिवस के रूप में मनाया जाता है, ये हमारा 16 दिन तक चलता है, जिसमें हम लोग अलग अलग गतिविधियों के माध्यम से महिला हिंसा को खत्म करने के लिए कार्यक्रम को चलाते हैं। इस समय हम लोगों का जो मोटिव है वो है कि जो कामकाजी महिलाएं हैं, चाहे वो ईंट भट्टे वाली महिलाएं हैं या चरखी पे काम करने वाली महिलाएं हैं या मेला ढोने वाली महिलाएं हैं, घरेलू कामकाज महिलाएं हैं या फिर वो महिलाएं हैं जो कंपनियों या फैक्ट्रियों में काम करती हैं, उनके ऊपर होने वाले यौन हिंसा या महिला हिंसा के मुद्दे को हम लोग फोकस कर रहे हैं और उसके खिलाफ हम लोग कैंपेन चला रहे हैं, ताकि जो भी महिलाओं को भेदभाव में बांटती हुई जो सोच है, जो सामाजिक मानदंड है, उनको समाप्त किया जा सके और हिंसा को खत्म किया जा सके। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और शेयर करें। सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन को दबाकर हमारी ताजातरीन खबरों से अपडेट रहें।